हाँ, मीडिया इंटरेक्शन जो हमने किया है, हमने कहा कि जो हमारे मीडिया फ्रेंड्स हैं उनको बुला के उनको पूरा हम एक्सप्लेन करें कि हम क्या क्या फैसिलिटी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, वो विजिट भी करके देखें कि क्या फिज़िकली वो हैं भी या नहीं हैं, और एक पब्लिक अवेयरनेस के लिए कि भाई अब ओपीडी सर्विसेज जो हैं वो स्टार्ट हो रही हैं इस हफ्ते में, और आप कैसे अवेल कर सकते हो, अपनी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो, और कोई रेफर करता है उसको हम हैंडल कैसे करते हैं। अब मंडे ऑनवर्ड जो है हमारे पास डेली ऑलमोस्ट एडवर्टाइजमेंट देंगे कि आपको हॉस्पिटल में आने के लिए कैसे अप्रोच करना है। हम चाहते हैं कि जो पेशेंट आए उसको प्रॉपर डिग्निटी मिले, उसको उसकी जो है वो इमीडिएटली सर्विसेज जो चाहिए वो मिले उसको, और उसको कोई रिसीव करने के लिए भी वो हम पर हो। एक्चुअली वी वांट अ पेशेंट इज़ ए जो है वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली हम कहते हैं कि जो भी हॉस्पिटल में जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है वो पेशेंट के लिए हैं, तो मैं अपने लिए भी जो है दैट इज बाद में आएगा, लेकिन फर्स्ट पेशेंट, तो उसकी कम्फर्ट्स के लिए क्या बना सकते हैं, जैसे नाइट शेल्टर है, मेडिसिन मिले, एमरजेंसी केयर मिले, अगर उसको एडमिशन किया तो वी आर फोकसिंग ऑन दैट एक्चुअली वहाँ पर। तो आपको जैसे मालूम है एम्स जो है इट इज़ ए इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इट इज़ ए नॉट ओनली फॉर जनरल बट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आल्सो, और हम सिर्फ वॉकिंग पेशेंट नहीं बट रेफर पेशेंट जो आएंगे उनको भी प्रायोरिटी मिलेगी, एमरजेंसी पेशेंट आएंगे उनको भी प्रायोरिटी मिलेगी। तो उसी हिसाब से हम ये अवेयरनेस कराना चाहते थे कि आपके फ्रेंड्स जो मीडिया हैं, हमारे फ्रेंड हैं, तो मीडिया वाले वो जो है दे कैन गिव ए वाइडर अवेयरनेस टू द पब्लिक अबाउट द फैसिलिटीज। अभी आपको हम ग्राउंड के लिए ले चलेंगे, फिर जब आप खुद देख के सीइंग इज बिलीविंग कि क्या चीज़ें आ रही हैं एक्चुअली वहाँ पर, तो इसलिए जो है हमने आप सबको बुला के बताना चाहते हैं कि क्या फैसिलिटी हैं, और कमिंग वीक में टू बी ओपन टू द पब्लिक।